हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी अपने मीशो अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने मीशो अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फॉर्म में मीशो एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने का आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर ब्राउजर और हेल्प टॉपिक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कॉल मी बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका नंबर शो हो जाएगा और यहाँ आपको सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना सबमिट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपको मीशो की तरफ से 5 मिनट बाद कॉल आएगा। आप उससे बात कर सकते हो कस्टमर केयर से, या तो वो आपका मीशो अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो आपको डिलीट करने का तरीका बता देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मीशो अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।